सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। त्रैलोक्यत्राण सहिते नारायणी नमोऽस्तुते।
किरीटिनि महावज्र सहस्र नयनोज्ज्वले वृत्र प्राण हरे चन्द्रे नारायणि नमस्तुते शिवज्योति स्वरूपेण हत नित्य महाबले गौररूपे महारावे नारायणि नमस्तुते दृष्टा करालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टे सुले भृगे महारात्रे महाविद्ये नारायणि नमस्तुते मेधे सरस्वदेवरे भूतिवासवितामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्रस्ताहिनो देवे दुर्गे देवे नमस्तुते एतत्ते वर्णं सौम्यं लोचनत्रयभूषितम् पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायणि नमस्तुते ज्वालाकरालमच्चोद्रम् अशेषासुरसूदनम् त्रिशूलम् पातु नो भीते भद्रकाली नमस्तुते हिणस्येदे च तेजांसि स्वर्णेन पूरयालय सार्धण्डये पापेभ्यो नासुराय असुरासिंहसापङ्गजिवस्ये करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतो चण्डिके कान्तभयम् अरोगाशेषान्नपहांसि तुष्टा अरुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानाम् न विपन्नराणाम् त्वामाश्रितया शयताम् प्रयान्ति एतद्गिसंज्ञाकरणम् त्वयाज्य धर्मद्विषाम् देवि महासुराणाम् अरूपेणनेकेभवभात्मभूति कृत्वाम्बिकेतत् प्रकरोति कन्या विद्या दुःशास्त्रेषु विवेकदीपे स्वाध्येषु वाक्येषु च का त्वदन्या मम त्वगतेऽपि महान्धकारे विभ्रमयत्येतदेव विश्वम् रक्षान्ति यत्रोग्रविशाच नागा यत्रारयोदश्च बलानि यत्र धावानो यत्र तथाधिमध्ये तत्र स्थिता त्वम् परिपासि विश्वम् विश्वेश्वरे त्वम् परिपासि विश्वम् विश्वात्मिकाधारयसेति विश्वम् विश्वेश वन्द्या भवति भवन्ति विश्वाशयाये त्वयि भक्ति नम्रः देवी प्रसीद परिपालयनोरभेते नित्यम् यथा सुरवः तरुणेव सद्यः पापानि सर्वजगताम् प्रशमम् नयाश उत्पादपाकजनिताश्च महोपसर्गान् प्रणतानाम् प्रसीद त्वम् देवि विश्वातिहारिणि त्रैलोक्यवासिनामीडे लोकानाम् वरदा भव दिव्योवाच वरदाहम् सुरगणा वरम् जन्मते चथ तम् प्रणद्धम् प्रयच्छामि जगतामुपकारकम् देवाहोचुः सर्वापाः प्रशवणम् त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मवैरिविनाशनम् देव्योवाच वैवश्वनेन्द्रे पाते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भसेवाण्या उत्पद्येते महासुरौ नन्दगोपगृहे जाता यशोधा गर्भसम्भवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचरणिवासुणि पुनरप्यति रौद्रेण रूपेण पृथवीतले अवतीर्यः नेष्यामि वेप्रचित्ता सुदानवान् भक्षयन्ता च तानुग्राम् वेप्रचित्तान् महासुरान् रक्तादन्दा भविष्यन्ति दाडमे कुसुमोपमाः ततो माम् देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः सुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततम् रक्तदन्दिकाम् भूयश्च शतवार्षिक्या मना वृष्ट्या मनाभसे मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्यादयो निजा ततः शतेन नेत्राणाम् निरीक्षिष्यामि यन्मुनि कीर्तयिष्यन्ति मनुजाः शताक्षेमिति माम् ततः ततोऽहमखिलम् लोकम् आत्मदेह समुद्भवैः भरिष्यामि सुराहशाके आविष्टेः पानधारकैः शाकम्भरे च विख्यातम् तदा यस्या विहम् भवेत्
तत्रैव जपिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरं दुर्गादेवेति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां दानकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्वोचन्त्यानं ब्रह्मोदयः भीमादेवेति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदारुणाघ्रस्ते लोके महाबाधां करिष्यति तदाहं रावणं रूपं कृत्वा शङ्खेश्वरपदम् त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वधिष्यामि महासुरम् भ्रामरेते च मां लोका सदा शोचन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा पाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा वधेयाहं करिष्यामि संशयम् सायंकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ भगवती के दरबार में अभिनंदन आप सबका हार्दिक स्वागत इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुहा के अंदर माँ भगवती की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती है पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती की स्तुति करते हैं आरती के इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं माँ का नाम स्मरण करते हैं माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती है आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान है आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य को अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें आपकी मनोकामना को आपके मनोरथ को पूर्ण करें जय आरती की वेला है बड़ी उत्तम वेला है इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्य करण माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षय फल होते हैं विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए आपके सुख समृद्धि के लिए आपके अवधि के लिए आपकी उन्नति के लिए आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी ही सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले हैं धन धन की वृद्धि करने वाले हैं जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है धन लाभ होते ही उनका यश उनका मान उनकी कीर्ति बढ़ती है वह आरोग्यता को प्राप्त होते ही दीर्घायु को प्राप्त होते हैं उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस मजगजन ने मजगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें आप सबका मंगल करें ध्यान ॐ विद्युत्तामसमप्रभा मृगपते स्कन्धस्थितां भेषणां कन्याभिः कर्वारकेतविदसत् हस्ताभिरासेवितां हस्ते शक्रगदातिकेतविशिखाम् शापुणं गर्जने बिभ्राणामललात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे ॐ दिव्युवाच एभिस्तवेशमां नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्यामि संशयाम्
मधु केशव नाशम च महिषासुर घातनम् कीर्तयिष्यन्ति एतद्वत्पदं शुम्भ निशुम्भयोः अष्टम्यां चतुर्दश्यां नवम्यां चेकचेतसः शोष्यन्ति देव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम् नान्देषां दुष्कृतं यज दुष्कृतोद्धा न चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चेष्टवियोजनम् शत्रुतो न भयं दस्य दशतो वानरायतः न शस्त्रानतो योगः कदाचिद्धं भविष्यति तस्मान्नमेतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहिते श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्यनमिदत् उपसर्गानशेषान्तो महामारी समुद्भवान् तथा श्रीफलमुत्पातं न हत्यं शमये नम यत्रैल पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मेथिलम् बलिप्रदाने पूजायाम् अग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं मे तच्चरितमुच्चार्यं शाप्यमेव च जानता जानता वापि बलि भोजां दधा गिराम् प्रतिशिष्याम्यहं प्रीत्या वर्णिहोमं दधा गिराम् शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यामेतं महत्वं श्रुत्वा भक्ति समन्वितः सर्वापाधाभिर्मुक्तो धनधान्यसुदामितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममेतं महात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् हरिभवः संक्षयं जान्ते कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसां महात्म्यं मम श्रीमतां शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्रदर्शने गृहपीडासु चोग्रासु महात्म्यं शृणुयाम् मम उपसर्गाः शमं यान्ति गृहपीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नं च निहृदिष्टं सुस्वप्नमुपजायते बालकः विभूतानां बालानां शान्तिकारकम् सङ्घातभेदे चरिणां मैत्रीकरणमुत्तमम् दुर्वृत्तानाम् शेषाणां बलहानिकरं वरम् रक्षो भूतपिशाचानां पठनादेवनाशनम् सर्वं ममेतं महात्म्यं मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पार्घधूपे च गन्धदीपे सदोत्तमैः विप्राणां भोजने होमेः पौक्षणीयेन हर्णशम् अन्ये च विविधे भोगैः प्रदाने वत्सरेण या प्रीतिर्मे तस्मिन् सकृदे श्रुते श्रुतं हरति पापाणि तथारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मणां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं जन्मे दुष्टदैत्यनिवर्हणम् तस्मिन् सुदेवैलिखितं भयं पुंसां न जायते युष्माभिः सुदयो याश्च याश्च ब्रह्माशिभिः कृताः ब्रह्मणा च कृतास्तासु प्रयच्छन्ति शुभावते अरण्ये प्रान्तदेवापि दावाग्ने परिवारितः दस्युभिर्वापितः शूने गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुजातो वा वने वा वनहस्यभिः प्रज्ञाबुद्धेण जाग्रतो बद्ध्यो बन्धगतोऽपि वा आघूर्णितो वा वातेन स्थितः पोते महाडवे पदस्तु चापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे भृशदारुणे सर्वापाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्थितोऽपि वा स्वर्णमेतच्चरितान्तरो मुञ्चेत सङ्गणात् मम प्रभावात् सिंहाद्यादस्य भो वैरिणः सुधा दूरादेव पलायन्ते स्वरतश्चरितां नम हरिशिरोवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत तेऽपि देवानिरातङ्काः स्वाधिकारा यथा पुरा यज्ञभागभुजः सर्वे चक्रविनिहतारयः दैत्याश्वरीयादिहते शुम्भे देवरिबौरिभिः जगन्विध्वंसणे तस्मै महाक्रेतुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषाः पातालमायुः एवं भगवते देवे सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम् त्वयि तन्मोह्यते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते सा जातिता च विज्ञानं तुष्टा ऋद्धिं प्रयच्छति व्याप्तं सकलं ब्रह्माण्डं वणुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारे स्वरूपया सैव काले महामारे सैव सृष्टे भवत्या
श्रीं करोति भूतानां सेवकाले सनातने भवकाले ऋणां सेवा लक्ष्मे वृद्धे पदा गृहे सेवाभावे तथा लक्ष्मे विनाशायोपजायते सुधा सम्भूयिता पुष्पे धूपगन्धादिविस्तथा ददाति वित्तं बुद्धाश्च मतिं धर्मे गतिं शुभा अक्षत कुञ्जिका स्तोत्र शिव उवाच शृणु देवी प्रवक्षामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मञ्च प्रभावेण चण्डी जापः शुभो भवेत् नाकवचम् नार्गला स्तोत्रम् कीलकम् न रहस्यकम् न सूक्तम् न विधानम् च नान्यासो न च वाचनम् कुञ्जिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठफलम् लभेत् अतिगुह्यतरम् देवी देवानामपि दुर्लभम् गोपनीयम् प्रयत्नेन स्वयम् नैरव पार्वती मारणम् मोहनम् वश्यम् स्तम्भनोच्चाटनादिकम् पाठमात्रेण संसिद्धे कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्महे ॐ ग्लुं हुं क्लीं जुं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्महे ज्वल हं सं लं सं भट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपेणे नमस्ते वधूवरुणे नमः केशवहारिणे नमस्ते महिषागणे नमस्ते शुम्भहन्ते च निशुम्भासुरघातिणे जागतम् हि महादेवे जपम् सिद्धम् करुष्यमे हैङ्कारे सृष्टिरूपाय हैङ्कारे प्रतिपालिका क्लीङ्कारे कामरूपेणे तेजरूपे नमस्तु ते चामुण्डा चण्डघाते च एकारे वरदायिणि विच्छेदाभयदा नित्यम् नमस्ते मन्त्ररूपिणि धां ह्रीं ह्रूं धूयते पतने भां वें भोगागधेश्वरी क्रां क्रीं क्रूं गालिका देवी शां श्रीं श्रूणे शुभं गुरु हुं हुं हुङ्काररूपिणि जं 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 भगादिणि भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवे भद्रे भवाने ते नमो नमः हं गं जं गं गं पं यं षं वीं धूं ऐं वीं हं जं धिजाग्रं धिजाग्रं त्रोटय त्रोटय नीतं गुरुगुरु स्वाहा पां भीं भूं पार्वती पूर्णा खां खीं खूं खेजरी तथा सां श्रीं सुं सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धिं गुरुष्वमे इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रम् मन्दजागर्तिहेतवे अभक्तेनैव दातव्यम् गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवी हीणां सप्तशतीं पठे न तस्य जायते सिद्धिर् अरण्ये रोदनं यथा अथ दुर्गाया पद्धराष्टकम् नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकम्पे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्वन्द्यपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणि राहि दुर्गे नमस्ते जगज्जयमानं स्वरूपे नमस्ते महायोगि विज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारिणि राहि दुर्गे अनाथस्य दीनस्य तृष्णा दुरस्य भयातस्य भीतस्य बद्धस्य जन्तोः त्वमेकागतिर्देवि निःसारकर्ते नमस्ते जगत्तारिणि राहि दुर्गे अरण्ये रणे दारुणेश मध्ये जले सङ्कटे राजगेः प्रभाते त्वमेकागतिर्देवि निस्तारहेतु नमस्ते जगत्तारिणि राहि दुर्गे अपारे महान्
भूरे विपत्सागरे मज्जतां देह भाजां त्वमेकागतिर्देवि निस्तारनौका नमस्ते जगत्तारिणी दाहि दुर्गे नमश्चन्द्रिके चण्डदुर्दण्डलीला समुत्खण्डिताखण्डलाशेषशत्रोः त्वमेकागतिर्विघ्नसन्दोहहर्त्रे नमस्ते जगत्तारिणी दाहि दुर्गे त्वमेका सदाराधिता सत्यवादे अनेकाभिराक्रोधनाक्रोधनिष्ठा क्रीडापिङ्गला त्वं शुभ्रमणा जनाडे नमस्ते जगत्तारिणि दाहि दुर्गे नमो देवि दुर्गे शिवे भेमहोऽसि सदा सर्वसिद्धि प्रदाते स्वलोभे विमोदिः सदा कालरात्रिः स्वरूपे नमस्ते जगत्तारिणि दाहि दुर्गे शरणमहि सुराणां सिद्धविद्याधराणां मुनिदनुजवराणां व्याधिभिः पीडितानां विपरीतिः गतानां दस्युभिः साधितानां त्वमधि शरणमेका देवि दुर्गे प्रभेद श्री भगवते स्तोत्र जय भगवती देवि नमो हरदि जय पाप विनाशिनी बहुपदि जय शुंभ निशुंभ कपाल धरि प्रणमामि तुमे विनाति हरि जय चंद दिवाकर नेत्र जय पावक भूषित भक्त हरि जय भैरव दे हरि ऋण परि जय जय भास्करदलयोवनदि जय शङ्खचायुधरेशनदि जय सागरगाविणीलम्भुनदि जय दुःखतरेधविनाशकरे जय पुत्रकरहतविदे जय देवि समस्त शरीर धरि जय नाक विलक्षिणी दुःख हरि जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करि जय मातृ तथा
सामर्थ्य मनोर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय। सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम को उच्चारण किया जाएगा। आप सही भक्तजन भक्ति भाव से हृदय सेवा निकाल तो लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सही भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। माँ दुर्गा इस सृष्टि की आदि शक्ति है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश इसी भगवती कृपा से, इसी माँ भगवती की शक्ति से शक्ति संपन्न होकर के ब्रह्मा सृष्टि करने में, भगवान विष्णु पालन पोषण करने में और भगवान शिव जो हैं जिसे हर करने में सफल होते हैं। अन्य देवगण भी इसी देवी की मंगलमय शक्ति से संपन्न होकर के भी अपना अपना कार्य करने में समर्थ होते हैं। कीट से लेकर के ब्रह्म पर्यंत जो हैं, जो भी जो तेज जो है वह सब इसी भगवती की कृपा का फल है। और वह भगवती आदि शक्ति जो है उसके नौ रूप हैं, जिन नौ रूपों के विशेष नवरात्रों में जो है भक्तजन जो है नौ दिन जो है इस शक्ति की उपासना करते हैं। क्योंकि जो नवरात्र के दिन जो है नौ दिन का जो समय जो है जो विशेष शक्ति पूजन शक्ति संवर्धन शक्ति संचय के दिन होते हैं और जिसमें भक्तजन जो हैं इन नौ दिनों में माँ भगवती का व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, जप करते हैं, पाठ करते हैं, माँ के अखंड ज्योत जगाते हैं, शाखा रोपण करते हैं और प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय परिवार एकत्रित होकर के माँ की आरती करते हैं और माँ से प्रार्थना करते हैं कि भगवती हम पर प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। हे माँ, किसी प्रकार से भी हमसे कोई जीवन में जाने अनजाने में कोई अपराध हुआ हो, कोई पाप हुआ हो, तो माँ भगवती हम भक्तों का क्षमा करना और हम भक्तों का मार्गदर्शन करना, हम पर हमारे परिवार पर हमारे कुल पर जो है अपनी कृपा बनाए रखना और हमारे घर में जो है सदा सर्वदा निवास करना। लक्ष्मी को विराजमान होकर के अवधि को देना, उन्नति को देना, सुख देना, शांति देना और सर्वत्र जो है हम सबका मंगल ही मंगल करना। बोलो सच्चे दरबार। तो माँ भगवती के जो नौ रूप जो है जिनके नवरात्र में नौ दिन भक्त जन साधना करते हैं वह नौ रूप जो है भगवती के इस प्रकार से हैं। प्रथम शैल पुत्रे च द्वितीयम ब्रह्मचारिणे तृतीयम चंद्र घंटे कुशमांडे चतुर्थकम पंचमं स्कंद महाते षष्ठम कात्यायनी च सप्तम काल रात्रि महाघोरी चाष्टम नवम सिद्धिधात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तित। बोलो दुर्गा माता की जय। तो जय माँ के नौ रूप है और प्रतिदिन एक एक स्वरूप का ध्यान करते साधक जो है माँ की भक्ति में वह अग्रसर होता है। पहला स्वरूप जो है माँ भगवती शैलपुत्री का है। ये शैलपुत्री पूर्व जन्म में जो है दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, इनका नाम सती था
और इन्होंने अपने पिता के यज्ञ में अपना देह त्याग दिया था योगाग्नि से, और यह फिर दूसरे जन्म जो था हिमालय के घर में हुआ है, और हिमालय के घर में जिस जन्म होने से इनका नाम जो था शैल पुत्री पड़ा है, शैल पर्वत को कहते हैं, और पर्वत की पुत्री होने के कारण से ये शैल पुत्री कहलाई। इस जन्म में माँ भगवती ने, इस शैल पुत्री ने माँ भगवान शिव को जो है प्रसन्न करने के लिए तप किया, बड़ी घोर तपस्या की, और पुनः जो है भगवान शिव को ही पति रूप में प्राप्त किया। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो पहले दिन जो है शैल पुत्र के स्वरूप का ध्यान करते हुए साधक जन जो है अपनी साधना जो है ये मूलाधार चक्र से प्रारंभ करते हैं। मूलाधार चक्र से जो है जिस साधना प्रारंभ करते हुए दूसरे दिन जो है यहाँ माँ भगवती का स्वरूप जो है वह ब्रह्मचारिणी का है। क्या ब्रह्मचारिणी के रूप में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए माँ भगवती ने घोर तप किया था भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, और जो है उन्होंने सफलता प्राप्त की। तो इस प्रकार से यह दूसरा स्वरूप जो है माँ ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्मचारिणी के स्वरूप का ध्यान करते हुए साधक जन जो है ब्रह्मचारिणी का स्वरूप जो है इसके दो हाथ हैं, एक हाथ में करमंडल है, एक हाथ में जपमाला है। ऐसे जो भगवती जो है, और दूसरे दिन जो है माँ भगवती ब्रह्मचारिणी के स्वरूप का ध्यान करते हुए साधक जन जो है अपने मन की स्थिति जो है स्वाधिष्ठान चक्र में ले आते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित कर करके माँ भगवती की साधना करते ही तीसरा नवरात्र तीसरा स्वरूप जो है माँ भगवती का जो है जो चंद्र घंटक है, चंद्र घंटक के स्वरूप का ध्यान करते भक्त जन जो है फिर अपने मन की स्थिति को जो है यहाँ मणिपुर चक्र में जो है यहाँ स्थित कर करके माँ की साधना में अग्रसर होते हैं। फिर चौथे नवरात्र में जो है माँ भगवती का जो चौथा स्वरूप जो है ये कुष्मांडा देवी का है, जो आज चतुर्थी ही चौथा नवरात्र ही चतुर्थी तिथि ही, और जो है ये चौथा स्वरूप जो है माँ भगवती कुष्मांडा देवी का है। कुष्मांडा देवी का ध्यान करते हुए आज के दिन भक्तजन जो है यहाँ अपना मन के अपने मन की स्थिति को जो है अनाहत चक्र में जो है ये ले आते हैं। यहाँ पर स्थित कर करके माँ भगवती जो है कुष्मांडा देवी की उपासना करते हैं, और भगवती कुष्मांडा देवी का आशीर्वाद जो है ये प्राप्त करते हैं। माँ दुर्गा की ये जो चौथा स्वरूप जो है ये कुष्मांडा देवी का है, और अपने मंद हल्के हंसी द्वारा जो है अंड अर्थात ब्रह्मांड को जो है उत्पन्न करने के कारण से जो है इसका नाम जो था कुष्मांडा जो है ये पड़ा था। जिस समय सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, कुछ भी नहीं था, सर्वत्र जो है अंधकार ही अंधकार परिव्याप्त था, और ऐसे में जो है कहते हैं कि ब्रह्मा की जो ब्रह्मांड की रचना जो थी जैसे भगवती ने ईशद हास्य से मंद मंद हास्य से जो है इन्होंने ब्रह्मांड की रचना की थी, अतः जय सृष्टि की जय आदि शक्ति। जिस समय कुछ भी नहीं था इसी भगवती ने सृष्टि की रचना की थी, और जय भगवती जो है यह इस सृष्टि की आदि शक्ति ही, और कहते हैं कि भगवती आदि शक्ति जो है जय माँ भगवती जो है जय सूर्य मंडल में इसका निवास है। कहाँ पर जो निवास करती है सूर्य मंडल में, आप जानते हैं कि सूर्य का कितना तेज ही उस मंडल में जो है निवास करने की शक्ति जो है इसी भगवती में है। वास्तव में यही भगवती जो है अपने प्रकाश द्वारा जे सूर्य चंद्रमा पूरी सृष्टि को प्रकाशित करने वाली, दसों दिशाओं को प्रकाशित करने वाली यही भगवती है, और इनकी तुलना जो है इन्हीं के साथ की गई ही, क्योंकि इनके समान कोई दूसरा देवी देवता है ही नहीं। ऐसी जो भगवती कुष्मांडा देवी जो है यह आज के दिन जो है इसी भगवती की आराधना कर करके माँ भगवती कुष्मांडा देवी का आशीर्वाद जो है ये भक्तजन करते ही, इनकी आठ भुजा है, आठ भुजा है, और जिनमें जो है यह गधा, एक हाथ में गधा ही चक्र ही, एक हाथ में जो है कमल पुष्प ही, धनुष ही, बाण ही, एक हाथ में जे करमंडल लिए हुए हैं, एक हाथ में जे अमृत कलश लिए हुए हैं, और एक हाथ में रिद्धि और सिद्धि को देने वाले जो है जप माला जो है इनके हाथ में विद्यमान है। ऐसा जिनका स्वरूप जो सिंह पर विराजमान है, और सब प्रकार की निधियों को और सिद्धियों को देने वाले जय भगवती है,
हनुमान चालीसा का जो पाठ करते हैं उसमें कहा गया है अष्ट अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि और नव निधियों के दाता जो है। तो इस प्रकार से ये सिद्धि जो थी हनुमान जी ने माँ भगवती की उपासना कर करके जिस सब प्रकार की सिद्धि जो है ये प्राप्त की थी, क्योंकि हनुमान जो थे ये शिव के जो है अवतार थे और भगवान शिव ने माँ भगवती माँ जगदम्बा की आराधना कर करके जो है ऐसा तप किया, माँ को प्रसन्न किया और भगवती के आशीर्वाद से माँ की कृपा से उन्हें जिस मत शक्तियां जो थे वह प्राप्त हुई। वह शक्ति जिस प्रकार से है अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राक्राम्य ईश्वत वशित्व ये आठ प्रकार की सिद्धियां जब बतलाई गई है और सिद्धियों को देने वाली जो है यही भगवती है। और इसी भगवती की आराधना कर करके भगवान शिव ने जब जब सब प्रकार की सिद्धियां नदी जो प्राप्त की तो जो है उनका आधा शरीर जो था वह शक्ति का हो गया, नारी का हो गया, जिससे भगवान शिव जो थे ये जगत में अर्ध नारीश्वर कहलाए। अर्ध नारीश्वर होने का कारण यही है, इनका आधा शरीर जो है ये शक्ति का इसी कारण से हुआ था, इन माँ भगवती को प्रसन्न कर करके समस्त शक्तियों को प्राप्त किया था। बोलो सच्चे दरबार की जय। इसलिए समस्त शक्तियों को देने वाली जय भगवती ही नवरात्र पूजन के चौथे दिन जो है कुष्मांडा देवी के स्वरूप का ही यही ध्यान करते इनकी उपासना जो है जय की जाती है। इस दिन भक्त जन जो है अपने मन को अनहद चक्र में जो है व्यवस्थित कर करके जो है माँ भगवती का जो है जय ध्यान करते हैं और आज का दिन विशेष करके बिल्कुल पवित्र और अचंचल मन, मन की चंचलता को जो त्याग कर करके मन पर जो है काबू पा करके फिर जाकर भगवती का आप ध्यान करें। मनसा वाचा कर्मणा, मन पवित्र तन पवित्र हो, इस प्रकार से वाणी पवित्र हो, कभी कोई झूठ ना बोलें, असत्य ना बोलें, कभी किसी की निंदा चुगली ना करें। जो विशेष इस दिन जो है कुष्मांडा देवी की उपासना करने वाले साधक के लिए ऐसा जो निजम है कि मन को पवित्र करें, तन को पवित्र रखें और इस प्रकार से जो है वाणी को पवित्र रखते हुए इस तरह से अपना वस्त्र पवित्र हो, विचार पवित्र हो और घर पवित्र हो, जहाँ पर भगवती आपने विराजमान किया है वहां पर सारे बिल्कुल स्वच्छता होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर स्वच्छता होती है पवित्रता होती है, उसी स्थान पर देवी देवताओं का निवास होता है और जहाँ पर देवी देवताओं का निवास होता है वहीं पर जो है सुख होता है, शांति होती है और सर्वत्र आनंद आनंद होते हैं, क्योंकि ये भगवती जो है ये आनंदमय है, ये सच्चिदानंद स्वरूपा जो है सब ओर से भक्तों को आनंद देने वाली है। इसलिए जिस घर में इस विधि विधान से भगवती की पूजा की जाती है, कुष्मांडा देवी की उपासना की जाती है, उस घर में सदा सर्वदा ये देवी की कृपा से सब प्रकार की रिद्धि और सिद्धि जो है जिन भक्तों को प्राप्त होती है, जिस घर में माँ कुष्मांडा की इस प्रकार से पूजा माँ की आराधना की जाती है और मन के जो चंचलता का त्याग कर करके मन को अपने वश में कर करके फिर माँ के शरणक धो करके कुष्मांडा देवी के स्वरूप स्वरूप का ध्यान करते हुए भगवती की साधना करें, इनकी भक्ति से जो है आयु की वृद्धि होती है। मनुष्य जो दीर्घ आयु को प्राप्त और नाजु का भोग करते हैं आयु की वृद्धि होती है, यश बढ़ता है संसार में, उनका यश उनकी कीर्ति जो है अटल बनी रहती है, उनका बल बढ़ता है अर्थात वह निरोगी रहते हैं और वह बल से जो है शक्ति संपन्न रहते हैं और आरोग्यता की प्राप्ति जो है उन्हें होती है और माँ कुष्मांडा जी भक्ति करने से प्रसन्न होकर के जे भक्तों को वरदान देती हैं और माँ की कृपा से जिन भक्तों का आशीर्वाद जो है जे प्राप्त हो जाते हैं उनकी सभी मनोवांछित कामना जो है वह पूर्ण होती है। तो ये भगवती जो है माँ कुष्मांडा देवी जो है इसके जो है कुष्मांड जो है संस्कृत में जो है पेठ को कहते हैं, पेठा जो है जे पेठा पेठे की बलि जो है जे भगवती कुष्मांडा देवी को अत्यंत प्रिय है और कुष्मांडा की बलि माँ के चरणों में अर्पित करने से जो है कुष्मांड जे पेठा जो चढ़ाने से भगवती वो शीघ्र जो प्रसन्न होती है। जिस तरह से माँ की भक्ति करते हैं एक तो इससे जो पेठे की बलि चढ़ाने से दीर्घायु की प्राप्ति होती है, रोगों का नाश होता है, जीवन में जो है सदा सर्वदा सुख शांति बनी रहती है और इस प्रकार निरोगी जीवन प्राप्त करता हुआ साधक जो है इस लोक में सब सुखों का प्राप्त करता है और उसका परलोक जो है वह कल्याण मा जाते हैं। इसलिए भक्तों को चाहिए कि शास्त्र में जो बतलाएगी विधि विधान जो है
उन विधि विधानों के अनुसार जो है माँ भगवती के शरणागत होकर के माँ की साधना करें, क्योंकि देवता जो है इसी शक्ति की उपासना करते हैं और शक्ति संपन्न होकर के, क्योंकि जो शक्ति संपन्न है वही सब प्रकार के कार्य करने में समर्थ होता है। जो शक्तिहीन है, शक्तिहीन व्यक्ति जो है वह स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता है, तो दूसरों की रक्षा या दूसरों की सहायता कैसे कर पाएगा। जो धन शक्ति संपन्न है, शरीर शक्ति संपन्न है, ज्ञान शक्ति संपन्न है, अन्य शक्ति संपन्न है, वही जो है अपना भी उनका कल्याण होता है और दूसरों का भी कल्याण करने वाले वह हो जाते हैं। इसलिए जो भक्त जन माँ भगवती की शरणागत होकर के भगवती की साधना करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, वह तो परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। परंतु जो वह दूसरों के भी शरण देने वाले, दूसरों के आश्रय देने वाले, दूसरों का भी कल्याण करने वाले हो जाते हैं, जिनकी माँ जगजननी जगत माता की कृपा हो जाती है। बोलो सच्चे दरबार की जय। इसलिए भक्तजन जो है माँ भगवती की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माँ के दरबार में आकर के करवत यही प्रार्थना करते कि माँ किसी प्रकार से जीवन में कुछ जाने अनजाने में हमसे कोई अपराध हुआ हो तो हमें क्षमा करना, हमें सद्बुद्धि सद्ज्ञान देना, हम भक्तों का मार्गदर्शन करना, क्यों आप जिन पर प्रसन्न होती हैं उन्हें सद्बुद्धि सद्ज्ञान देती हैं, और आपकी कृपा से जिन भक्तों को सद्बुद्धि सद्ज्ञान प्राप्त होते हैं वही जो संसार में परम कल्याण को प्राप्त होते हैं, वही जो है उनका धर्म जो है कभी सफल नहीं होता, वह सदा सर्वदा धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए अपने परिवार के साथ, अपने स्त्री अपने पुत्रों के साथ जो है वह सुखपूर्वक रहते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं, जिन पर आपकी कृपा होती है, जिन पर आप प्रसन्न हो जाती है, उनके सभी कष्ट सभी दुख जो है दूर होते हैं। मैं संक्षेप में आपको एक दृष्टांत दे रहा हूँ। कहते हैं कि एक दो बालक जो थे वह एक ही पाठशाला में अध्ययन करते थे, बड़े हो गए इकट्ठे खेलते थे, इस प्रकार से जहाँ भी जाना इकट्ठे जाना, घर में जाए एक दूसरे के घर में चले जाते थे, वही जो है जहाँ भी एक दिन दूसरे के घर में फिर उस दूसरे के घर में, ऐसे जो इनका इतना प्रेम था, इतनी मित्र थी, अद्भुत मित्रता थी। बड़े हो गए और जो है व्यापार में आ गए, व्यापार करने लगे, व्यापार जो था वो फला फूला, परंतु संगत जो थी वह बुरी लग गई। जब कुसंग प्राप्त हुआ तो जो है अब जब व्यक्ति के पास धन संपत्ति होती है, कुसंग लग जाए और कुसंगी लोग जो है साथ मिल जाए, ऐसे कुसंगी लोगों का जब साथ हो जाता है तो उसी से व्यक्ति का सर्वनाश होता है। कुसंग की प्राप्ति हुई और एक प्रकार से कुमार पर चल पड़े, चलते चलते धीरे धीरे जो है अब जब व्यापार भी कम होने लगा, धन भी नष्ट होने लगा, कहीं पूर्व जन्म के कर्म थे, देवी की कृपा हुई और सब वो रिद्धि सिद्धि थी और पुण्य समाप्त हो गए, कुछ धर्म कर्म किया नहीं, बुरे कर्म करते रहे, पुण्य जब समाप्त हुआ तो एकदम अधोगति को प्राप्त हो गए। धन समाप्त हो गया, कुछ रहा नहीं, अब परिवार भी लोग जो है वह भी दुखी और वह भी उनको कोसते हैं। फिर जो मित्र वर्ग जो था, जो प्रयोजन उनके साथ चलते थे, खाते थे, उड़ते थे, बैठते थे, उन्होंने भी संग छोड़ दिया। जब कहते हैं कि वृक्ष पर फल लगे होते हैं तो पक्षी आते हैं खाते हैं, जब फल समाप्त हो जाते हैं वे पक्षी भी उस वृक्ष का परित्याग कर देते हैं। और जब तक आपके पास धन संपत्ति ही सब कुछ ठीक ठाक है तो सभी मित्र हैं, भाई बंधु हैं, परिवार है, सब कुछ है, और जब धन समाप्त हो जाते हैं फिर सभी कोसते हैं, कोई देखता तक नहीं, कहीं हमसे कोई कुछ मांग न ले, कहीं हमको इनको रोटी खिलाना न पड़े। और जब विपत्ति आती है, बुरा समय आता है, तो तब जो कहते हैं कि भीख मांगने पर भी नहीं मिलती, ऐसी परिस्थिति जो है उन दोनों मित्रों की हुई। अब सभी जो है उनको डांट डबल लगाते, सब निंदा करते, ये बड़े दुष्ट थे, इन दुष्टता की बुरे कर्म करते थे, कुसंग पे चलते थे, इनकी दुर्दशा हुई, हमसे उधार लिया है, देते नहीं है, सभी लोग जो उनकी निंदा करने लगे, जहां जाते वहां जूते पड़ते, ऐसी दुर्दशा हुई, दोनों दुखी हुए, पर परिवार में वाले भी नहीं चाहते हैं और समाज तो पहले ही है, वो तो जूते मारेगा। अब जो है दोनों ने विचार किया, अब नगर में तो हमारी सर्वत्र निंदा निंदा है, क्यों न इस नगर का त्याग कर दें और कहीं कहीं दूसरे नगर में चले जाएं, कहीं कोई मजदूरी कोई काम करेंगे तो जो है अपना जीवन यापन करेंगे। दोनों मित्र जो है चल पड़े, अपने नगर का त्याग किया और चल पड़े अपनी मातृ उस जन्मभूमि को प्रणाम करके। अब चलते चलते जो है विचार आ रहे हैं कि ऐसा हमारा जीवन था, कैसा बचपन था,
कैसे जो हम अवधि को प्राप्त हुए, उन्नति को प्राप्त हुए, कोई धन की कमी नहीं थी, कभी सोचा नहीं था कि धन जब कई पीढ़ी तक चलेगा ये समाप्त नहीं होगा। परंतु जब व्यक्ति को कुसंग लगे, चाहे कोई राजा महाराजा भी क्यों ना हो, बड़े बड़े कुएं जो है कुप भरे हुए भी वह भी समाप्त हो जाते हैं। कुएं में जो है यदि जल निकालते जाओ उसमें स्रोत ना हो तो जल समाप्त हो जाता है। ऐसे धन संपत्ति जो है जिसमें जो है धन आएगा नहीं, खर्च करते चलो तो फिर जो एक दिन वह समाप्ति होगी। ऐसे ही पुण्य होते हैं, हम पुण्य अर्जित करते हैं, भगवान की आराधना साधना जो पुण्य रूपी धन है, जो जो आप बैठ करके नवरात्रों में माँ के चरण में बैठ करके जो पुण्य जो अर्जित कर रहे हैं, इसके लिए कहा है कि इस तरह से तीर्थ पर जाकर के शक्तिपीठ पर जाकर के इस प्रकार जब साधक पुण्य अर्जित करता है, भगवती साधना करता है, इसका अक्षय फल होता है, इस पुण्य का कभी नाश नहीं होता। ये पुण्य होते हैं जो सब प्रकार के सुखों को देने वाले होते हैं, सब प्रकार की रिद्धि सिद्धि को देने वाले होते हैं। दोनों मित्र जो है चले, संकट में थे और अपना जो पिछला जो याद करने लगे, हम कैसे थे, सभी हमारे मित्र थे, हमारे साथ बैठते थे, हंसते थे और हमारे साथ ही खाते थे और इस तरह से वह सभी हमारा मान सम्मान करते थे। आज कैसी परिस्थिति हो गई, धन समाप्त हुआ तो सब मित्र बंधु सब के सब समाप्त। चलते हुए ऐसे विचार करते जा रहे थे, वन का रास्ता था तो जंगल में जो है एक ऋषि का आश्रम था, वहां पर देवी यज्ञ हो रहा था, बड़े ऋषि महात्मा वहां पर तप कर रहे थे, माँ भगवती का भजन कर रहे थे और वहां के जो संत थे, बड़े संत जो है वह वहां जो है प्रतिदिन जो है यज्ञ अनुष्ठान किया करते थे और कहते हैं कि वहां पर जो हिंसक जीव होते थे वह भी उस स्थान पर आकर के शांति से रहते थे, कोई किसी से क्लेश कोई कला नहीं करता था, बड़ी शांति थी। और वहां पर जब जो हवन हो रहा था, मंत्रों की धुन जो है उनको सुनाई दी, सहकार सुनाई दिया, मंत्र जो देवी मंत्र जो है, कहते कि मंत्र का एक शब्द भी कान में पड़ जाए तो वह व्यक्ति परम पवित्र हो जाता, उसके पाप नष्ट हो जाते। मंत्रों की धुन जब सुनाई दी तो विचार आए, विचार बदले, यहां तो कोई आश्रम है, जहां तो कोई आराधना हो रही है, जहां मंत्र पाठ हो रहा है, हवन हो रहा है, हवन की सुगंधी आ रही है, तो विचार बदला, सात्विक बुद्धि आई और जो है बुद्धि ने काम किया और ऐसी प्रेरणा थी कि हम क्यों ना यज्ञ में चले। यज्ञ में चल पड़े और वहीं पर बैठते हैं, रोज जो है अब सत्संग कीर्तन होता है, भजन होता है, मंत्र पाठ होता है, हवन होता है, पूजा होती है और वहां पर बैठने से उनका अंतःकरण शुद्ध हुआ। अंतःकरण शुद्ध हुआ तो दोनों जो है अब धीरे धीरे संत महाराज जी के पास जा पहुंचे, वहां जाकर उन्हें प्रणाम किया और जो है प्रार्थना की, महाराज हम बड़े पापी हैं, सत्संग सुनते हैं रोज जो है, तो अब जो है हमें बड़ी एक गिलानी हो रही है मन में कि हम कितने दुष्ट थे, कितने पापी थे, कितने कितने पाप हमने किए और आज हमारी ये दुर्दशा होगी, हमारे ऐसा ऐसा हमने सब किया है, हम बड़े संपत्ति वाले थे, सब समाप्त हो गया, अब तो भीख पर बारी आ गई, कोई हमारा मार्गदर्शन आप कर सकते हैं, हम क्या करें जिससे हमारा ये कष्ट ये दुख जो है, हमारे जो पाप जो नष्ट हो, हमारा जीवन सुखी हो जाए। तब कहते को समय उस ऋषि ने कहा कि आप माँ भगवती के ही शरणागत हो जाइए, भगवती की उपासना कीजिए, मंत्र दिए इस मंत्र का बैठ करके जब जप कीजिए, ऐसे माँ की भक्ति करते करते जो है माँ की ऐसी कृपा हुई, अब जब फिर उन्होंने काम करना शुरू किया, भगवती की कृपा से दिन दोगुनी रात चुगनी होने लगी और जो है फिर संपत्ति संपन्न भी हुए, परंतु माँ की भक्ति छोड़ी नहीं, माँ की भक्ति में ऐसी लगन लगी और माँ की भक्ति करते हुए वह दोनों जो थे परम कल्याण को प्राप्त हुए। इस लोक में उन्होंने इस पृथ्वी लोक में रहते हुए सब सुखों का भोग किया और अंत में उनका परलोक कल्याण हुआ, पर मोक्ष को प्राप्त हो गया। सच्चे दरबार की जय। ये भक्ति का फल होता है। अभी इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री श्री जी से माँ के चरणों में एक भजन प्रस्तुत करेंगे, आप सभी भक्त संकेत में सहयोग देना, सब मिलकर बोलना ताली बजाते हुए श्री श्री जी। जय करा मेरी शेरों वाली मैया जी का, ऊठ के द्वार की जय। मेरी माँ जगदम्बे मन जाए असा जगनु मना के की लन, मेरी माँ जगदम्बे
मन जाए सतगुरु मना के की लेना ओ मेरी माँ जगदम्बे मन जाए अस जगनु मना के की लेना मेरी माँ जगदम्बे मन जाए अस जगनु मना के की लेना ओ मेरे मन बिच मैया रख जाए असा जगनु बसा के दीना मेरे मन बिच मैया बस जाए असा जगनु बसा के दीना मेरी माँ जगदम्बे मन जाए असा जगनु मना के दीना मेरी माँ जगदम्बे मन जाए हाथ खोल कर डेली डालेंगे डाल के बाद मां के दरबार तक पहुंचे एक बार सभी भक्त जन अपने अपने हाथ ऊपर उठा कर सभी मां के चरणों में अपने अपने हाजिर दीजिए हाथ सभी ऊपर मां भगवती आप भक्तों की हाजिर स्वीकार करें आपके झोलियां भरे आपके मराध्य पूरे करें आपका जीवन खुशियों से भर देता रहे मेरी माँ जगदम्बे दे द्वार जेड़ा भुल के भी गवारी आ जाता मेरी माँ जगदम्बे दे द्वार जेड़ा भुल के भी गवारी आ जाए ओ दे गम मिट जाते ने सारे ओ जग बिच सब कुछ पा जाना ओ जग बिच सब कुछ पा जांदा ओ जग बिच सब कुछ पा जांदा ओ जेड़ा दिल च बसा के मैया ओ दे प्रेम दी जोत जगा लैंदा जेड़ा दिल च बसा के मैया ओ दे प्रेम दी जोत जगा लैंदा ओ रखे मस्ती बिच दिन रात सदा दुनिया तो किनारा पा लैंदा दुनिया तो किनारा पा लैंदा दुनिया तो किनारा पा लैंदा मेरी माँ जगदम्बे मन जाए असा जगनु मना के दीना मेरी माँ जगदम्बे मन जाए असा जगनु मना के लैना मेरे मन बिच मैया रख जाए असा जगनु बसा के लैना मेरे मन बिच मैया बस जाए असा जगनु बसा के लैना सारे जग दिया खुशियां एक पास मेरी माँ का द्वारा एक पास सारे जग दिया खुशियां एक पास मेरी माँ का द्वारा एक पास है दुनिया दे नजारे एक पास मेरी माँ का नजारा एक पास मेरी माँ का नजारा एक पास मेरी माँ का नजारा सारे जगदा चान एक पास ज्योति उजियारा एक पास सारे जगदा चान एक पास ज्योति उजियारा एक पास गहर समुंदर एक पास मेरे दिल दा किनारा एक पास ओ मेरे दिल दा किनारा एक पास मेरे दिल दा किनारा एक पास मेरी माँ जगदम्बे मन जाए असा जगनु मना के की मेरी माँ जगदम्बे मन जाए असा जगनु मना के की लैना मेरे दिल बिच मैया बस जाए असा जगनु बसा के दीना मेरे
ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮਈਆ ਭਗ ਜਾਏ ਅਸਾ ਜਗਣੋ ਬਸਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਏ ਸਿਰ ਹੈ ਅਮਾਨਤ ਮਈਆ ਦੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਝੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਏ ਸਿਰ ਹੈ ਅਮਾਨਤ ਮਈਆ ਦੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਝੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨਦੀਆਂ ਚੀਰ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨਦੀਆਂ ਚੀਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਮਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਮਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਮਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਗਦੰਬੇ ਮਨ ਜਾਏ ਅਸਾਂ ਜਗ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਕੀ ਰਹਿ ਮਾਂ ਜਗਦੰਬੇ ਮਨ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਈਆ ਬਸ ਜਾਏ ਅਸਾਂ ਜਗ ਨੂੰ ਬਸਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਈਆ ਬਸ ਜਾਏ ਅਸਾਂ ਜਗ ਨੂੰ ਬਸਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜਗ ਰੁਸਦਾ ਏ ਤਾਂ ਰੁਸਦਾ ਰਵੇ ਅਸਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਗ ਰੁਸਦਾ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੋ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਸਤ ਸਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣਾ ਗਾਉਣਾ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਸਤ ਸਦਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਸਾਉਣਾ ਇਸ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਸਾਉਣਾ ਇਸ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਸਾਉਣਾ ਓ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਗਦੰਬੇ ਮਨ ਜਾਏ ਅਸਾਂ ਜਗ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਕੀ ਰਹਿ ਮਾਂ ਜਗਦੰਬੇ ਮਨ ਜਾਏ ਅਸਾਂ ਜਗ ਬਸਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਈਆ ਬਸ ਜਾਏ ਅਸਾਂ ਜਗ ਨੂੰ ਬਸਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਈਆ ਬਸ ਜਾਏ ਅਸਾਂ ਜਗ ਨੂੰ ਬਸਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪਾਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦ ਤਲੀ ਤੇ ਤਲੀ ਪੈਂਦੀ ਜਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੀਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਗੱਲ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਗੱਲ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਣਾ ਕਿਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਜਿਹਦਾ ਮਈਆ ਤੇ ਐਤਬਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਗਦੰਬੇ ਮਨ ਜਾਏ ਅਸਾਂ ਜਗ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਕੀ ਰਹਿ ਮਾਂ ਜਗਦੰਬੇ ਮਨ ਜਾਏ ਅਸਾਂ ਜਗ ਨੂੰ ਬਸਾ ਕੇ ਕੀ
आ जाओ जंगल के राजा, आ जाओ
हर पल माँ के संग विराज धन्य तुम्हारी भक्ति है हर पल माँ के संग विराज धन्य तुम्हारी भक्ति है हर पल माँ के संग विराज धन्य तुम्हारी भक्ति है हर पल माँ के संग विराज धन्य तुम्हारी भक्ति है शक्ति का तुम बोझ उठाते अजू तुम्हारी शक्ति है शक्ति का तुम बोझ उठाते अजब तुम्हारी शक्ति है ओ शक्ति का तुम बोझ उठाते अजब तुम्हारी शक्ति है शक्ति का तुम बोझ उठाते अजब तुम्हारी शक्ति है सुंदर नैन कटीले ओ रंग के पीले पीले मुझसे मिला जाओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आ जा जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आ जा जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आ जा आ जा जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आ जा आ जाओ जंगल के राजा आ जाओ आ जाओ आ जाओ जंगल के राजा आ जाओ आ जाओ जंगल के राजा आ जाओ आ जाओ आ जाओ जंगल के राजा आ जाओ पवन रूपी माँ के प्यार ताल पवन की आ जाओ पवन रूपी माँ के पवन की आ जाओ पवन रूपी माँ के प्यार चाल पवन की आ जाओ पवन रूपी माँ के प्यार चाल पवन की आ जाओ देवों की आँखों से तारे आओ कर्म कमा जाओ देवों की आँखों के प्यार आओ कर्म कमा जाओ देवों की आँखों के तारे आओ कर्म कमा जाओ देवों की आँखों के प्यारे आओ कर्म कमा जाओ माँ कहनो से तुझे बचाऊ आओ मैं घुंघरू पहनाऊ माँ कहनो से तुझे बचाऊ आओ मैं घुंघरू पहनाऊ मैं बचाऊ डोले और बाजा जंगल के राजा तेरी मैया को लेके आ जा जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आ जा जंगल के राजा तेरी मैया को लेके आ जा जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आ जा पाके सन्मुख भोली माँ को दिल की बातें कर लूँ मैं पाके सन्मुख भोली माँ को दिल की बातें कर लूँ पाके सन्मुख भोली माँ को दिल की बातें कर लूँ मैं पाके सन्मुख भोली माँ को दिल की बातें कर लूँ प्यास बुझा लूँ जन्मों की और खाली झोली भर लूँ मैं प्यास बुझा लूँ जन्मों की और खाली झोली भर लूँ प्यास बुझा लूँ जन्मों की और खाली झोली भर लूँ मैं प्यास बुझा लूँ जन्मों की और खाली झोली भर लूँ मैं के चरणों की धूल लगाऊँ मैं सोया नसीब जगाऊँ मैं के चरणों की धूल लगाऊँ मैं सोया नसीब जगाऊँ मेरे दुख संताप मिटा जाओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आ जा जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आ जा आ जाओ
सच तू बना दा मेरी मैया को लेके आ जाओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आ राजा जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आ जा मेरी मैया को लेके आ जा मेरी मैया को लेके आ जा मेरी मैया को लेके मेरी मैया को लेके आ जा मेरी मैया को लेके आ जाओ जयकारा शेरों वाली जी का सच्चे दरबार की जय लघु भजन प्रस्तुत करेंगे श्री मनिंदर जी जयकारा शेरावाली जी का बोल सच्चे दरबार की जय लोकी रख देने कोल तस्वीरा लोकी रख देने कोल तस्वीरा असा ते तेरी याद रख ली लोकी रख देने कोल तस्वीरा असा ते तेरी याद रख ली लोकी रख देने कोल तस्वीरा असा ते तेरी याद रख ली लोकी रख देने कोल तस्वीरा असा ते तेरी याद रख ली बखो बख सब दिया तकबीरा असा ते तेरी याद रख ली बखो बख सब दिया असा ते तेरी याद रख ले बख बख सब दिया तकदीरा असा ते तेरी याद रख ले बख बख सब दिया तकदीरा असा ते तेरी याद रख ले हां लोका दे तानिया ने कीता मजबूत मां 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 हो जे मेरे कोल बड़े ही सबूत मां हो जे मेरे कोल बड़े ही सबूत मां हो गल प्रेम दिया हो गल प्रेम दिया हो गल प्रेम दिया पाके जन जीरा असा ते तेरी याद रख ले प्रेम दिया पाके जन जीरा असा ते तेरी याद रख ले लोकी रख देने कोल तस्वीरा असा ते तेरी याद रख ले लोकी रख देने कोल तस्वीरा असा ते तेरी याद रख ले तेरे पासे लगना भी कम केड़ा सुखाए 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 दुनिया समझना भी मैया बड़ा औखाए दुनिया समझना मैया बड़ा औखाए दुनिया समझना मैया बड़ा औखाए मेरा हाल होया मेरा हाल होया मेरा हाल होया मांग फकीरा असा ते तेरी याद रख ले मेरा हाल होया मांग फकीरा असा ते तेरी याद रख ले लोकी रख देने कोल तस्वीरा असा ते तेरी याद रख ले लोकी रख देने कोल तस्वीरा असा ते तेरी याद रख ले दर्शी की तेनू कोई जानदानी दातिए 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 ओखे वेले अपना भी 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 जानदानी दातिए ओ दूर करो सब ओ दूर करो सब ओ दूर करो सब दिया दुख पीड़ा असा ते तेरी याद रख ले दूर करो सब दिया दुख पीड़ा असा ते तेरी याद रख ले लोकी रख दे ले कोल तस्वीरा असा ते तेरी याद रख ले लोकी रख दे ले कोल तस्वीरा असा ते तेरी याद रख ले लोकी रख दे ले कोल तस्वीरा असा ते तेरी याद रख ले लोकी रख दे ले कोल तस्वीरा असा ते तेरी याद रख ले बखो बख सब दिया तकदीरा असा ते तेरी याद रख ले 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 असा ते तेरी याद रख ले
ਵਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਨਾਗਦੇਸ਼ਰ ਬਣ ਭਣੋ ਤਮ ਸੋਰ ਰਤਨਾ ਭਲੇ ਵਾਸਾ ਦੇਹ ਲਤਾਂ ਦਿਵਾ ਕਰਨੇ ਵਾ ਨੇਤ੍ਰ ਤਜੋਦ ਵਾਸਿਤਾ ਮਾਲਾ ਕੁੰਭ ਕਪਾਲ ਨੀਰਜ ਕਰ ਚੰਦ੍ਰ ਧੋੜਾ ਪਰ ਸਰਵਜੇਸ਼ਰ ਭੈਰ ਭਾਂਕਨ ਲਯ ਪਦਮਾਵਤ ਸੰਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕੋ ਪਾਸੀ ਆਪ ਭਕਤ ਜਨੋ ਕੇ ਸਾਇੰਕਾਲ ਕੀ ਆਰਤੀ ਮੇ ਮਾਂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਮੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨੇ ਕਾ ਸੌਭਾਗਯ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਆ ਆਪ ਬੜੇ ਹੀ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਹੀ ਪੁਣਿਆਤਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਕਤੋਂ ਕੋ ਇਸ ਆਰਤੀ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਲਾ ਮੇ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਿਆ ਬਸਾਂਤਿਕ ਨਵਰਾਤਰ ਕੀ ਚਤੁਰਥ ਨਵਰਾਤਰ ਕੇ ਅਵਸਰ ਪਰ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਕੇ ਚਰਨ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਕੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨੇ ਕਾ ਪੁਣ ਅਰਜਿਤ ਕਰਨੇ ਕਾ ਇਸ ਜਗਜਨ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਕਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਕਾ ਆ ਭਕਤੋਂ ਕਾ ਸੌਭਾਗਯ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਆ ਹੈ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਕੀ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਭਕਤ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਔਰ ਭਗਵਤੀ ਕੇ ਚਰਨੋਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਾ ਸੌਭਾਗਯ ਸਦਾ ਸਰਵਦਾ ਆ ਭਕਤੋਂ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਤਾ ਰਹੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਲਾ ਮੇ ਆਪ ਸਹੀ ਭਕਤੋਂ ਕੋ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮਾਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਆਰਤੀ ਕੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਉਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕੋ ਵੀ ਮਾਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਕੀ ਓਰ ਸੇ ਭੂਰੀ ਭੂਰੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਵ ਸੰਤਤੇ ਭਾਨ ਭਵ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜਸਸਵੀ ਭਵ ਪ੍ਰਗਿਆ ਭਾਨ ਭਵ ਭੂਰ ਭੂਤ ਕਰਣੇ ਧਾਨੇ ਕਨਿਸ਼ਠੋ ਭਵ ਤੇਜਸਵੀ ਭਵ ਦੈਰੀ ਗਰਭ ਦਲਣ ਵਿਆਪਾਰ ਦਕਸ਼ਾ ਭਵ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੰਭਰ ਪਾਦ ਪੁਨਰਤ ਸਰਵੋਪਕਾਰੀ ਭਵ ਮੰਤ੍ਰਾਰਥ ਸਫਲਾ ਸੰਤ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਨੋਰਥ ਸ਼ਤਰੂਨਾਮ ਬੁੱਧਿ ਨਾਸ਼ੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਣਾਮ ਉਦਯਸਤ ਸ਼ਰੀਰ ਵਰਚਸ ਆਯੁਸ਼ਮ ਆਰੋਗਯਮਾਵਿਦਾਤ ਸ਼ੁਭਮਾਨਮ ਹੀਯਤਿ ਧਨੰ ਧਾਨ੍ਯੰ ਪਸ਼ੂੰ ਬਹੁਪੁੱਤ੍ਰ ਲਾਭੰ ਸਤਸੰਵਤਸਰੰ ਦੀਰਘਮਾਯੁ ਅਸਤੁ ਦੀਰਘਮਾਯੁ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਆਪ ਭਕਤੋਂ ਕੀ ਦੀਰਘਾਯੁ ਕਰੇ ਆਪਕੋ ਸੁਖ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਧਨ ਧਨ ਸੇ ਸਮ੍ਰਿਤ ਕਰੇ ਸਭ ਹੋਰ ਸੇਵ ਕਾ ਮੰਗਲ ਕਰੇ ਆਪਕੀ ਯਾਤਰਾ ਕੋ ਸਾਰਥਕ ਕਰੇ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਤਭੀ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਕੀ ਆਰਤੀ ਹੋਗੀ ਆਪ ਸਹੀ ਭਕਤੀ ਜਨ ਭਕਤੀ ਭਾਵ ਸੇ ਮਾਂ ਕੀ ਆਰਤੀ ਕਰੇਂਗੇ ਸਮਲ ਕਰ ਬੋਲਣ ਤਾਲੀ ਵਜਾਤੇ ਹੋ ਓਮ ਜੈ ਅੰਬੇ ਮੈਯਾ ਜੈ ਆਨੰਦ ਕਰਨੀ ਮੈਯਾ ਜੀ ਕੋ ਨਿਸ ਦਿਨ ਧਾਵਤ ਹਰੀ ਓਮ ਜੈ ਅੰਬੇ ਗੌਰੀ ਓਮ ਜੈ ਅੰਬੇ ਗੌਰੀ ਧਾਰੀ ਮੈਯਾ ਖੜਗ ਖਬਰ ਧਾਰੀ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵਕ ਦਿਨ ਕੇ ਦੁਖ ਹਾਰੀ ਓਮ ਜੈ ਅੰਬੇ ਗੌਰੀ ਦੇਵਾਗਰ ਸਮਰਾਜਤ ਜੋਤ ਓਮ ਜੈ
असुर गाजी मारे सुर भय ही न करे ओम जय अम्बे गौरी मैया तुम समारानी आगम निगम बखाने तुम शिव पकरानी ओम जय अम्बे गौरी भैरो मैया नेत करत भैरो बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी मैया तुम ही हो भरता भरतन ही दुख हरदा दुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी मैया वर मुद्राधारी मनवाचित फल पावत देवत सरकारी ओम जय अम्बे गौरी मैया अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम्हें राजक गोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी नित गावे मैया प्रेम सहित गावे कहत हरि हर स्वामी मनवाचित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी मैया जय मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी ओ मैया जी को निज दिन दावत हरि ब्रह्मा शिव ओम जय वाली माता तेरी सदा ही जय सज्जन अर्थ पूर्ण करने वाले माता तेरी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देने वाले माता तेरी सदा ही जय धर्वाही की जय क्षमा करो अपराध शरण माया क्षमा करो अपराध शरण माया माता वैष्णो द्वार में शीश झुकाया हूँ देवों के सब संकट तारे रक्त बीज मत कब मारे शुंभ शुंभ सुर संहारे किया भगत कल्याण शरण माया हूँ बालक बन खेलों में गवाया यौवन विषयों में भर माया बूढ़ापन कुछ काम न आया जीवन सफल बनाओ शरण माया धन यौवन
का साथ नहीं है, विद्याधन कुछ पास नहीं है, विद्याधन कुछ पास नहीं है, नाम बड़ा नहीं काम बड़ा नहीं, कुल धाम शरण माया, धर्म मार्ग मुझको न सुहाते, सदा कुमार मुझको भाते, मन चंचल तेरा ध्यान करता, बड़ा चपल नादान शरण माया हूँ, क्षमा करो अपराध शरण माया हूँ, दरबार की जय। तो परम पूज्य पुजारी जी माँ भगवती की पूजा करके आपके सामने इस गुफा द्वार पर आ गई। इस पवित्र गुफा का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत माँ भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तजनों के बीच में आएगी, शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। सच्चे दरबार की जय, जय माता दी, 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 जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, दरबार की जय। सभी भक्तजन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़ करके मान से प्रार्थना करेंगे, संभल कर बोलना। देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, देहि मे परमं सुखम, रूपं देहि जयं देहि, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि दुशो जहि, यशो देहि दुशो जहि। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तो निरामया, सर्वे सन्तो निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चन कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः। बैठे आरती क्रम देखे सुने और मन ही मन माँ भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं, आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी।
శుండిం చిరాం శంఖం సంగళదేంద్రనయనం సర్వాంగభూషామృతాం నీలాశ్వద్భుజమాస్యపాదదశకాం దేవే మహాకాళికాం జామస్తు స్వపితేహరోగమలయో మధుకేతవం వరుమంద్రనుకుండికాం దండం శక్తిమశీర్షధర్మజం ఘంటాం సురావాజనం శూలం హస్తే ప్రసన్నానాం లక్ష్మీంద్రోయతిలాం ఘంటాం శూలహలాని శీతాశతుల్యా ప్రభాం గౌరీ ఆధారభూత మహాపూర్వా మాతృ సరస్వతీ శృణాది తుమేవ మాతా పితా తుమేవ తుమేవ వందోర్జతమేవ తుమేవ విద్యా భవినం తమేవ తుమేవ సర్వం మమ దేవ దేవ శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం విశ్వాధారం గగనసదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగ్యగమ్యం వందే విష్ణు భవహరం సర్వలోకేకనాథం వత్సం కేశవం రామనారాయణం కృష్ణదామోదరం వాసుదేవం శ్రీధరం మాధవం గోపికావల్లవం జానకీ నాయకం శ్రీరామచంద్రం వందే హరే మురారే మధుకేతవారే గోవింద గోపాల మధు కిశోరే జ్ఞానం వదే శరణం వదే విద్యాం వదే భగవన్ నమోస్తుతే హే మై మేరీ సచ్చియాం జ్యోతాం వాలి మాతా మేరీ సదాయ పంచఫూలా రాణీ మాతా తేరీ సదాయ ద్వే ద్వే చోళ్యాం వాలి మాతా తేరీ సదాయ సబరీ మనోకామనా పూరీ కర్ణ వాలి మాతా తేరీ సదాయ లోంకడా వీరడా కర తేరీ సదాయ కుల సచ్చే దరబార్ కీ జయ ధర్మ కీ జయ హో ధర్మ కీ జయ హో ధర్మ కీ జయ హో అధర్మ కా వినాశ హో అధర్మ కా వినాశ హో అధర్మ కా వినాశ హో పరానియో మే సద్భావనా హో పరానియో మే సద్భావనా హో పరానియో మే సద్భావనా హో విశ్వ కా కళ్యాణ హో విశ్వ కా కళ్యాణ హో విశ్వ కా కళ్యాణ హో భారత వరే మహాన హో భారత వరే మహాన హో భారత వరే మహాన హో బోలో హరే హరే హర మహాదేవ बोलो बाबा श्री की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय జకర శిరవలి జీద जोश वाली जय नहीं निकली आपकी, वो जो आनंद वाली जय होती है ना, वो जय ही लग होती है, वो अंदर से निकलती है, जो आपने जहां बैठ के आनंद लिया, आनंद आया कि नहीं आया आपको आरती का, किसी को आ रहा इधर से आया इधर से नहीं आया, सबको आरती का आनंद आया, ऐसे 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 अगर आया तो बोलिए, नहीं आया तो फिर उसका अरेंजमेंट करते, फिर माता रानी को प्रार्थना बोलने करेंगे कि आपको फिर जल्दी जल्दी बुलाए, शास्त्री जी ने इतने अच्छे आपको प्यार से इतने अच्छे प्रवचन दिए,
अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर बेंते गाई आपने, जहां माता रानी जी की गोदी में बैठ के ये जो तप किया इसी को तपस्या कहते हैं। लेकिन ऐसा स्थान तप के लिए मिलता नहीं है, ये किस्मत वालों को ही मिलता है। आप वो किस्मत वाले हो जिनको माता रानी ने खुद बुलाया निमंत्रण देके नवरात्रों में, आजा बेटा मैं तुझे याद कर रही हूं। इसका मतलब है कि उसने कुछ ना कुछ आपकी झोली में डालना है। अपनी जल्दबाजी के चक्कर में कहीं वो हाजिरी आपकी फिर पेंडिंग ना रह जाए, इसलिए अपनी बारी का इंतजार करना। जितना इंतजार आप करो यकीन मानिए उससे भी ज्यादा वो उतावली बैठी है अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए, आपकी झोलियां भरने के लिए। आज माता कुष्मांडा जी के रूप के दर्शन हैं, जगत जननी माता रानी जी अंदर बैठी हुई हैं। आप सबके लिए मैं मां से यही प्रार्थना करूंगा कि जगत जननी मां अब सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, झोलियां खुशियों से भरें, हाजिरिए आपकी कबूल करें और आप सबको अपने दरबार में जल्दी जल्दी बहुत सारी खुशियों के साथ अपने दरबार में फिर से बुलाएं। जब हम घर से चलते हैं हर किसी के मन में कोई ना कोई इच्छा होती है कि मैं दरबार जाऊंगा, कोई सुख की हाजिरी देने आता है, कोई दुख भरी झोली मां से अपनी खुशियों के रूप में उसको बदलने के लिए आता है। लेकिन यकीन मानिए ये ऐसा दरबार है जहां पर मां निराश नहीं करती। आपकी झोलियां जरूर भरी जाएंगी लेकिन उसके लिए भी आपको कर्म भी वैसे करने पड़ेंगे। जैसा हम मां से चाहते हैं ऐसा मां भी कुछ ना कुछ हमसे चाहती होगी। इसलिए जो चीज आज हमें नजर आ रही है कल जब हम उस पड़ाव पर पहुंचेंगे तो अगर वो सुविधा नहीं मिलेगी आपको तो बहुत तकलीफ होगी। इसलिए आज उस कल को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले अपने आप को सुधार कीजिए। वो सुधार क्या, अपने मां बाप की सेवा कीजिए, अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनिए। अगर आप मां बाप की सेवा में होंगे यकीन मानिएगा चरणों में हाथ लगा के एक बार मां को बोलना वो आपकी हाजिरी वहीं से भी कबूल कर लेगी। लेकिन हम जे थोड़ा सा भूलते जा रहे हैं, आप अपने मां बाप की सेवा करिए क्योंकि आज हम बेटे हैं कल हम वहां पर पहुंचेंगे उस स्थान पर, तो हमें चाहिए कि हमारे बेटे सेवा नहीं कर रहे। इसलिए इस रीति को कभी खत्म होने मत दीजिएगा। ये हिंदुस्तान की पहचान है, यही सोने की चिड़िया है जो हमारे यहां हिंदुस्तान में है। इस रीत को कभी भी मत जाने दीजिएगा। आप अपने मन से दिल से मां बाप की सेवा कीजिए और माता रानी जी का गुणगान कीजिए। आपके साथ जब हम दरबार में आते आप सभी आए हैं तो मन करता है आंखें नहीं भरती, मन करता है माता रानी जी के सामने आगे खड़े रहें, तब कोई हमें जल्दी नहीं होती। जैसे अभी सभी को थोड़ी सी जल्दी हो रही है, कुछ के चेहरे सिर्फ उसी तरफ है, पुजारी जी कब छोड़ेंगे तो हम जाएंगे। लेकिन यकीन मानिए आपको छोड़ा हुआ है। माता रानी के पास जब हम जा मां के पास पहुंचते हैं तो मन नहीं भरता, तब सब कुछ भूल जाते हैं, तब यही होता है कोई हमें बाहर जाने के लिए मत बोले। लेकिन यकीन मानिए श्राइन बोर्ड आपके लिए पूरी सेवा में बैठा हुआ है, आपको बहुत अच्छे दर्शन होंगे जिसके लिए आप जहां पर आए हुए हैं। लेकिन जी फिर भी नहीं भरता, इसलिए फिर दोबारा आना पड़ता है।
न जी भर के देखा न कुछ बात की। यही मन की अभिलाषा है माता रानी से हम भाई किसी ना किसी रूप में, देखो इधर देखो इधर देखो हर जगह देखो माँ ही माँ, लेकिन किसी ना किसी रूप में माँ मिल जाए। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की, इना अखियां नू लेन दे नजारा माए नी थोड़ी देर ठहर जा, इना अखियां नू बेला मुड़ मुड़ आना नहीं दोबारा माए नी थोड़ी देर ठहर जा, बेला मुड़ मुड़ आना नहीं दोबारा माए नी ठहर जा, नहीं तो बच्चे रुल जानगे, अम्मी एनी पाग साडे खुल जानगे, थोड़ी देर ठहर जा थोड़ी देर ठहर जा थोड़ी देर ठहर जा थोड़ी देर ठहर जा, तेनू आना पवेगा इत्थे मां दुबारा माए नी थोड़ी देर ठहर जा, इना अखियां नू लैन दे नजारा माए नी थोड़ी, इना बच्चिया नू छड़ माए किथे जाएगी, कहां जाएगी मां हमें छोड़ के कहीं नहीं जा सकती, इना बच्चिया नू छड़ माए किथे जाएगी, वो जिथे जाएगी मां उथे साड़ी याद आएगी, तेनू आना पवेगा इत्थे ही दोबारा माए नी थोड़ी देर ठहर जा, इना अखियां नू लैन दे नजारा माए नी थोड़ी थोड़ी देर ठहर जा थोड़ी देर। सभी मिलके और लंबी जा बोलियां खुशियों पर, जैसे जैसे हाथ ऐसे ऐसे जा, और वो इसलिए जय लंबी की माता रानी जी से आशीर्वाद लेते हुए पूरे भारतवर्ष में फैले आशीर्वाद सुख और शांति लेके, बोलो सच्चे दरबार की। अभी जय मेरी ज्यादा आपकी कम है, सभी मिलके बोलो सच्चे दरबार की, बोलो सच्चे दरबार की आशीर्वाद। जय माता दी जय माता।